ओके, सो नाउ वी आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जो कि हमारे 7th सेमेस्टर का टॉपिक है. तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो बेसिक्स हमारा पहला टॉपिक जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में है, व्हाट इज दैट? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स कैसे होती है? बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एयरपोर्ट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है. लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स है वो दी थी ICAO ने. व्हाट इज दिस ICAO? दिस ICAO इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और ये UN की एक एजेंसी है, ठीक है. तो इस ICAO ने कैसे डिवाइड किया एयरपोर्ट्स को, कैसे क्लासिफाई किया एयरपोर्ट्स को? इन्होंने दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन दी थी, जो दोनों टाइप्स हम फिर अपने एयरपोर्ट के नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं. तो टाइप वन जो इन्होंने दे दिया, इन्होंने कोडिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, टाइप ए टू टाइप ई एयरपोर्ट. और दूसरा इन्होंने कोडिंग कर दी 1 to 7, ठीक है, टाइप वन एयरपोर्ट टू टाइप 7 एयरपोर्ट. ओके, तो ये जो है ना हमारे ये एयरपोर्ट, अब हमें यही देखने हैं कि मतलब हाउ कैन वी से दैट एयरपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल मुंबई एयरपोर्ट इज अ टाइप ए एयरपोर्ट, हाउ कैन वी से दैट? तो वही हमें देखना है. जब हम इनकी बात करें, जब हमारी क्लासिफिकेशन एयरपोर्ट की हो गई है विद द हेल्प ऑफ, जब हम ICAO की क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, दैट इज टाइप ए टू टाइप ई, ये क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इसका टेम्पलेट सेट किया गया होता है. मतलब जब भी आप देखोगे लेटर्स में आपका एयरपोर्ट क्लासिफाइड है, तो आपको तीन चीजें रखनी है दिमाग में कि ये तीन चीजों की बात कर रहा है. किन तीन चीजों की? सबसे पहले ये रनवे की लेंथ की बात कर रहा है, जब हम लेटर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे. सो इट इज टॉकिंग अबाउट रनवे लेंथ, और इट इज टॉकिंग अबाउट, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट रनवे विड्थ, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड. व्हाट इज ग्रेड? ग्रेड इज द स्लोप एट विच योर पेवमेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है. ग्रेड बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारा वाटर अक्यूमुलेट ना हो जाए, ठीक है. दैट इज वाई वी नीड ग्रेड. ओके, और ओवरटर्निंग ना हो जाए हमारे व्हीकल की, उसलिए भी हमें ग्रेड जरूरत होता है इन परसेंटेज, ठीक है. तो जब भी आप कहीं पर सुनोगे दैट फॉर एग्जांपल XYZ इज टाइप ए एयरपोर्ट, तो आपको वहां पर तीन चीजें आपको आप पूछ सकते हो इनको कि ये टाइप ए एयरपोर्ट है, तो इसकी रनवे लेंथ जो होगी वो, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, रनवे लेंथ ऑफ टाइप ए एयरपोर्ट विल रेंज बिटवीन 2100 टू ग्रेटर देन 2100 मीटर्स. ओके, तो ये तीन चीजें आपको वहां पर देख लेनी है. अब हमने इसका एक बनाया हुआ है जो कि हम देखेंगे. ये देख लीजिए, जब हम टाइप ए एयरपोर्ट की बात करते हैं, वहां पर हमें दिमाग में ये रखना है कि हमारी जो रनवे की लेंथ है, इट शुड रेंज बिटवीन 2100 मीटर्स टू ग्रेटर देन 2100 मीटर्स. ओके, जब भी आपकी रनवे की लेंथ 2100 मीटर्स या ग्रेटर देन 2100 मीटर्स आएगी, तो आपको वहां पर ये आंखें बंद करके बोल देना है दैट दिस इज टाइप ए एयरपोर्ट. ओके, विड्थ ऑफ रनवे पेमेंट उस टाइम हमारी 45 मीटर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड वहां पर 1.5% होना चाहिए. ओके, उतरते हैं हम नीचे की तरफ, टाइप बी एयरपोर्ट. टाइप बी एयरपोर्ट में जो हमारी रनवे की लेंथ है, इट शुड रेंज बिटवीन 1500 मीटर्स टू 2099 मीटर्स. ओके, ये जब आपने देख लिया, आपको बोलना है दैट दिस इज टाइप बी एयरपोर्ट. यहां पर आप देखोगे कि विड्थ ऑफ द रनवे पेमेंट और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड सेम वही है जो हमारे टाइप ए एयरपोर्ट का है. तो यहीं पर हमारा पता चल गई एक बात कि हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स ऑन द बेस ऑफ लेटर्स इज द बेसिक रनवे लेंथ. ओके, तो आपको बेसिक रनवे लेंथ देखनी है, तभी आपको पता चलेगा आपका एयरपोर्ट का टाइप कौन सा है. उसके बाद एयरपोर्ट टाइप सी हमारा है, दैट इज बेसिक रनवे लेंथ, मैक्सिमम और मिनिमम इट शुड रेंज फ्रॉम 900 मीटर्स टू 1499 मीटर्स. जब आपकी ये आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो आपको समझ लेना है कि आपका जो टाइप ऑफ एयरपोर्ट है दैट इज सी. यहां पर आपकी विड्थ ऑफ द पेमेंट 30 मीटर्स होनी चाहिए और आपका मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड 1.5 मीटर्स होना चाहिए. मतलब अभी तक आप देखोगे ए बी और सी टाइप ऑफ एयरपोर्ट में आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड है वो 1.5 आ रहा है, ठीक है, और ए और बी में आपकी विड्थ ऑफ द पेमेंट सेम आ रही है 45 मीटर्स.
उसके बाद टाइप डी एयरपोर्ट में आपकी जो लेंथ ऑफ दी रनवे है वो 750 टू 899 मीटर्स में स्पैन करती है, और आपका जो विड्थ ऑफ द पेमेंट है वो 22.5 में, और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड 2.0। तो एक ट्रेंड हम देखेंगे, अब जब हम टाइप ई एयरपोर्ट देखेंगे तो इसमें हमारी जो रनवे लेंथ है दैट इज 600 टू 749, ठीक है, मीटर्स। विड्थ ऑफ द रनवे पेमेंट 18 मीटर्स है और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड हमारा 2 मीटर्स है। यहां पर मैं आपको एक ट्रेंड बता दूं जिसकी हेल्प से शायद आपको याद रहेगा एग्जाम में, कि आप ये कैसे याद कर सकते हो एग्जाम में, आपको ये कैसे याद रहेगा वो देख लीजिए। जब आप एयरपोर्ट टाइप की बात करते हो, जब आप ए टू ई जा रहे हो एयरपोर्ट टाइप में, आप ए टू ई जा रहे हो ए बी सी डी ई, ठीक है, तो आपकी जो लेंथ ऑफ द रनवे है, लेंथ ऑफ द रनवे है, ठीक है, लेंथ ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ जो है आपकी वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम ई टू ए, मतलब ई पे आपकी लोवेस्ट लेंथ ऑफ रनवे है और ए पे आपकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ रनवे है, ठीक है। यहां पर आपने देख लिया इट वॉज फ्रॉम 600 टू 749 मीटर्स, और ए पर आपने देख लिया इट वॉज 2100 मीटर्स एंड ग्रेटर देन 2100 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द बेसिक रनवे जो है आपका वो इंक्रीज होता है फ्रॉम ई टू ए, ओके। उसके बाद जो हमारी दूसरा चीज है हमारा, हमें विड्थ अब देखना है, विड्थ का ट्रेंड हमारा क्या है। तो जो हमारी विड्थ का ट्रेंड है, विड्थ ऑफ रनवे पेमेंट वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू ई। मतलब यहां पर भी ये भी आप ऐसे ही, ऐसे वाला ट्रेंड है इसका, ये भी ऐसा ही ट्रेंड है। मतलब मैक्सिमम जो है आपका, मैक्सिमम लाई करता है आपका टाइप ए एयरपोर्ट जो है, उसकी मैक्सिमम विड्थ ऑफ रनवे पेमेंट आती है आपकी 45 मीटर्स, ठीक है, 45। फिर टाइप बी की भी 45 मीटर्स आती है, टाइप सी की 30 मीटर्स आती है, फिर टाइप डी की 22.5 मीटर्स आती है, और टाइप ई की 18 मीटर्स आती है। मतलब जब आप ई से ए की ओर जाते हो, आपका जो ये है विड्थ ऑफ द रनवे पेमेंट, ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो दो चीजें आपकी इंक्रीज हो जाती है जब ई टू ए आप चले जाते हो, वो क्या है, वो एक तो लेंथ ऑफ द रनवे है और विड्थ ऑफ द रनवे है। अब दो चीजें हमें देखनी है, और एक चीज हमें और देखनी है, दैट इज द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड अब क्या है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड जब हम देखेंगे उसका ट्रेंड क्या आता है, तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड जो है वो डिक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम ई टू ए। तो तीनों चीजें जो है, नहीं, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड का जो ट्रेंड है हमारा, दैट इज समवॉट लाइक दिस, कि ए पर आपका मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड कम है 1.5। तीन टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स का आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड है वो सेम आ रहा है, ए बी और सी का लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड सेम है 1.5, फिर डी और ई जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड आपको 2.0% आता है। मतलब जब आप ए से ई की ओर चले जाते हो, आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या चीज हमने देख ली, जब हम ए टू ई जाते हैं हमारी बेसिक रनवे लेंथ इंक्रीज हो जाती है, हमें विड्थ ऑफ द रनवे पेमेंट इंक्रीज हो जाती है, जब हम ए से ई की ओर जाते हैं हमारी बेसिक रनवे लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, विड्थ ऑफ रनवे पेमेंट डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये थी पहली क्लासिफिकेशन, जो कि क्या थी, जो बेस्ड ऑन लेटर्स थी। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि बेस्ड ऑन नंबर्स थी, नंबर 1 to 7, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, जब हम 1 to 7 नंबर्स की बात करें, 1 to 7 नंबर्स, अब जब भी आप देखोगे दैट दिस इज टाइप A7, तो A से तो आपको पता है आपको तीन चीजें क्या देख लेनी है। अब जब आप नंबर देख लेते हो, 1 to 7 तक आप नंबर देख लेते हो अपने एयरपोर्ट की क्लासिफिकेशन में, तो आपको वहां पर दो चीजें देखनी है, क्या क्या, एक तो सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड, सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड, कि आपको वहां पर पता चल जाती है अगर आपका टाइप 1 एयरपोर्ट है तो इसका सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड क्या है, ये कितना व्हील लोड बर्दाश्त कर सकता है, सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड, और दूसरा टायर प्रेशर, ये हमारा ये रनवे जो है ये टायर प्रेशर कितना बर्दाश्त कर सकता है, व्हाट इज इट्स बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ टायर प्रेशर, ओके, एंड सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड। तो सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड क्या है, सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड है एक व्हील पर आपका कितना लोड पड़ रहा है। तो अगर आपको पूरे एरोप्लेन के, पूरी असेंबली ऑफ एरोप्लेन का लोड मालूम करना है, वो आपको कैसे मिलेगा, आप इस सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड को जब मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ टायर्स इन दैट असेंबली, तो आपको उस पूरे एयरक्राफ्ट का लोड
पता चल जाएगी, क्योंकि सारा लोड कहाँ चला जाता है, व्हील्स में चला जाता है। तो जब आपको एक व्हील का लोड पता है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ व्हील्स, तो आपको पूरे एयरक्राफ्ट का लोड पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम वही देखते हैं, हम सिंगल एक व्हील की वजह से लोड देखते हैं, कितना लोड हमारा पेवमेंट पे आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से क्लासिफाई किया है ICAO ने, दूसरी क्लासिफिकेशन उस हिसाब से दी है, और कितना टायर प्रेशर ये बर्दाश्त कर सकता है, कि हमारे टायर में कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है हमारा पेमेंट। ओके, तो इसका भी हमारा टेबल है, वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए, तो कोड वन, जब आप देखोगे टाइप वन एयरपोर्ट, इसका जो सिंगल एक व्हील पर जो इसका लोड पड़ता है, दैट इज 45,000 kgs, और टायर प्रेशर इज 8.5 kg/cm². तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया ए वन टाइप ऑफ एयरपोर्ट है मेरा, ओके, आई हैव एन एयरपोर्ट एंड इट्स ऑफ द टाइप ए वन। तो आपको क्या क्या पता चल जाती है, एक तो आपको पता चल जाती है कि आपकी जो लेंथ ऑफ द रनवे है वो 2100 meters टू ग्रेटर देन 2100 meters लाई करेगी, दूसरा आपका विड्थ ऑफ द पेमेंट 45 आएगा, तीसरा आपका मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड 1.5% आएगा, चौथा आपका जो सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड है वो 45,000 kgs होगा, और आपका टायर प्रेशर जो है वो 8.5 kg/cm² होगा। ये आप देख लीजिए, इसी तरह हमारा कोड नंबर टू है, 34,000 इज द सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड एंड 7.0 इज द टायर प्रेशर। अब बाकी सारा आप पॉज करके खुद देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हमारा ट्रेंड यही हमें दिख रहा है कि जब हम कोड वन टू कोड सेवन, टाइप ए टू टाइप सेवन जाते हैं, तो हमारी जो सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड है वो कम होती जाती है, और हमारा टायर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब जितना आपका नंबर कम रहेगा, मतलब टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, उतना जो आपका एयरपोर्ट होगा वो बहुत एनहेंस्ड होगा, उतना ज्यादा वो व्हील लोड बर्दाश्त कर सकेगा आपका पेमेंट, उतना ज्यादा वो टायर प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा। जितना आपका लेटर नंबर्स आप देखोगे 7, 6, 5, उतनी आपकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पेमेंट जो है वो कम होती जाएगी। ओके, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन गिवन टू अस बाय ICAO। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, मैं आपको बोल रही हूँ बी टू टाइप ऑफ एयरपोर्ट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपकी जो रनवे विड्थ है वो 1500 meters टू 2099 meters आ जाएगी, मतलब आपकी जो रनवे लेंथ है वो 1500 टू 2099 meters आ जाएगी। ठीक है, आपकी जो विड्थ ऑफ द पेमेंट है वो 45 meters आ जाएगी, आपका जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड है वो 1.5 आ जाएगा, आपका जो सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड है, मतलब ये हैंडल कर पाएगा, इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड ऑफ 34,000 kgs एंड इट कैन बेयर द टायर प्रेशर ऑफ 7 kg/cm². तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन जो ICAO ने दी थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स।